फर्स्ट प्राइज इज मुनीर अहमद डार फ्रॉम खनियार श्रीनगर। ट्वेंटी वन किलोमीटर हाफ मैराथन फॉर प्रोफेशनल एथलीट्स एंड द आज आपको पता है कि नेशनल लेवल पे यूनिटी डे भी है, जहाँ पर हम लोग सब लोग हर बरादरी हर भाईचारा मिलकर एक दूसरे के साथ मुल्क की तरक्की और इस्लामियत के लिए काम करने के लिए लग लेते हैं, कसम लेते हैं। वो दिन भी है आज के प्रोग्राम में, तो 700 से ज़्यादा बच्चों ने, लड़कियों ने, बच्चियों ने और सब तरह की जो कैटेगरीज में लोगों ने हिस्सा लिया, आपके सामने अभी पेश कर रही हैं, काफ़ी अच्छी है। इस वक्त हम लोग जो किस को देख रहे हैं, इसमें लोग अमन और शांति चाहते हैं, लोग किसी भी तरह के तशद्दुद के खिलाफ लार्ज स्केल के ऊपर उसकी मजम्मत की, उसको खत्म किया। और अभी का माहौल इस वक्त फिर से बहुत अच्छा है और आपने देखा जो बच्चों की पार्टिसिपेशन आज के प्रोग्राम में सब चीज़ें हैं, मुझे इस बात का इशारा है कि लोग अमन और तरक्की की तरफ बढ़ना चाहते हैं। लोग तशद्दुद को रद्द करते हैं। सर क्या मैसेज रहेगा आपका उनको जिन्होंने हथियार उठाया? हमारा मैसेज यही रहेगा कि आप लोग अपने माँ बाप के खिलाफ, अपने समाज के खिलाफ, अपने लोगों के खिलाफ काम कर रहे हैं। आपके इस कदम से हर किसी को सुखी है, आपकी अपनी जान भी इसमें गायब होती है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हथियार उठाने की जगह जैसा कि पहले ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब आए थे, उनका पैगाम था कि हाथ में पत्थर या गोली या बंदूक की जगह हाथ में किताब हो, बच्चे पढ़ें, लिखें, अपना फ्यूचर बनाएं और जहां जम्मू कश्मीर की खुशहाली बहबूदी के लिए काम करें। मेरा भी यही पैगाम है कि वेपन उठाने से नहीं, कलम उठाने से, वेपन उठाने से नहीं, किताब उठाने से, वेपन उठाने से नहीं, अपने समाज, अपने माँ बाप के साथ मिलकर काम करने में ही समाज की बेहतरी आती है।